हेलो बच्चों, मैं चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम मिथकोटा एकेडमी, टेस्टली क्लासेस फॉर नीट आईटीएम जेईई। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या मैथ लिटरेसी। हेलो बच्चों, मैं चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम मिथकोटा एकेडमी, टेस्टली क्लासेस फॉर नीट आईटीएम जेईई। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या मैथ लिटरेसी फ्रॉम क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में एक चैप्टर होता है जिसमें हम देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो मैंने कंटिन्यू वीडियोस के बनाते जा रहे हैं। और उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक चलने वाला है वो क्या है, मेटलर्जी या ऑक्यूरेंसेस ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको पहले आराम से सब चीज को समझते हुए चलना है, कैसे आप एक मिनरल्स या ओर से। देखो, आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, क्या मिनरल्स एंड ओर। ठीक है, उसको मैंने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है आपके लिए ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि मेटलर्जी क्यों यूज करते हैं, मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें पूरा और के टाइप्स रहेंगे एंड उसके कौन कौन से और किस किस मेटल्स के लिए यूजफुल होते हैं वो देखेंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों, स्टार्ट करें करते हैं फिर। तो मेटलर्जी, तो मेटलर्जी का मीन्स क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ, जिसमें हम इसका स्टडी कहते हैं। आप जब इंजीनियरिंग करोगे या बहुत आगे जब पढ़ाई करोगे तो वहां पर एक मेटलर्जी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम बस ये पढ़ते हैं कि कैसे किसी ओर से मेटल्स को निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्टडी किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर से निकालते हैं बच्चों। क्यों ओर से, क्योंकि आपके पास जो भी चीज मिल रहा है, मान लो आपके पास एक बड़ा सा पत्थर मिल गया, अब वो मिल गया, आप एक फैक्ट्री में लेकर गए, उसमें आपने रिफाइनिंग किया, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उसके प्रोसेस करा दिया, देखा कुछ नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। तो ओर का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस को लेना जिसमें लार्ज अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में क्या हो, वो मेटल्स प्रेजेंट हो। और एक चीज और याद रखना बच्चों, सस्ता होना चाहिए और इजिली वहां से आपको मेटल मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ओर। क्लियर है बच्चों, पढ़े हम लोग मिनरल्स एंड ओर। देखते हैं बच्चों मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल्स क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसमें मेटल्स तो रहते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी कंपाउंड, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ये सब बच्चों उसमें प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो हमको ना सैंड चाहिए, ना रॉक चाहिए, ना स्टोन्स पार्टिकल्स, हमको क्या चाहिए, मेटल्स चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मेटल्स के लिए हम जिस सब्सटेंस को लेते हैं दैट इज कॉल्ड बच्चों क्या, ओर। क्योंकि कंपनीज चाहती है कि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो, पैसा कम लगे उनका। ठीक है बच्चों, क्या हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, पैसा कम लगे, और जो भी चीज मिल रहा हो लार्ज अमाउंट में मिले, एक्सेस अमाउंट में मिले, दैट इज कॉल्ड ओर। क्या लिखा है बच्चों, ऐसे मिनरल्स जो इजिली क्या दे, मेटल्स दे और सस्ते हो, चीपली एंड इजिली, वहां से आप उसको निकाल सको बच्चों। ठीक है, तो मैंने एक बात यहां पे लिखी है बच्चों, एकदम उसको दिमाग में रखना, क्या लिखा है, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्योंकि ओर का एक डेफिनेशन ये बोलता है कि हमको वो चीज सब्सटेंस चाहिए रहता है जिसमें परफेक्टली आप क्या निकाल सको, कम पैसे में और ज्यादा अमाउंट में आप मेटल्स को ऑब्टेन कर सको। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड ओर, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। क्लियर है, ओके बच्चों, थैंक यू।